पता है आप सब लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि पेड़ पे से एक पत्ता गिरता है और जैसे वो पत्ता गिर के उस मिट्टी में मिलता है तो वो खाद बनता है, प्रोसेस होता है, उसी के हिसाब से क्या होता है और 10 पेड़ निकलते हैं, यानी कि प्लांट्स निकलते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो निकलते हैं। उन्हीं छोटे छोटे पेड़ों से क्या होता है कि आगे चल के वही पेड़ फिर से पत्ता गिराता है और इसी हिसाब से पूरी जो सीरीज है, श्रृंखला है, वो चलती जा रही है। और हम हैं, आपके पेरेंट्स थे, आपके पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, आपने अपने बच्चों को जन्म दिया, अब उसके बाद में आपके बच्चे भी वही काम करने वाले हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और आज मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ वो सब कुछ रिवील करने से पहले, आप मुझे जानते हो कि मेरा नाम सुभाष है और आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियाँ चैनल को, और मैं स्वागत करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपको पसंद आएगी होपफुली। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और इम्पोर्टेंट सबसे बात यह है कि अपने दुखों को कम करना चाहते हो, तो कहने का मतलब यह है कि हमें क्या लगता है कि सिर्फ हमारे साथ में दुख हैं, यानी कि वो दुख की जो सीमा हमारे साथ में क्यों बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ों को हम परमानेंट सोच लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये देखना चाहिए कि ऊपर जो आकाश में आकाशीय गंगा है, तारे हैं, ये सब जब टूटते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, उसी उसमें बनते हैं और फिर एक अलग से इनका जन्म होता है। कहने का मेरा मतलब ये है, देखिए जो चीज़ आप पसंद करते हो मैं उसी चीज़ पर आ रहा हूँ कि ये कॉस्मिक एनर्जी और ये पूरा प्रोसेस जो अर्थ का चल रहा है, कुछ इस हिसाब से चल रहा है कि कुछ जाएगा तो दूसरा आएगा। आप अपने आप को देखो, आप मिट्टी से बने, मिट्टी में दफन हो जाओगे। अब इस चीज़ में ये मत लाना बीच में कि देखिए मुस्लिम तो नहीं जलते, वो जलते हैं, एंड ऑफ द डे सब उस मिट्टी में विलीन होते हैं। डिफरेंट कैन बी डिफरेंस, लेकिन सारे तरीके कुछ भी हों, कैसे भी हों, हमें जाना वही है, हमारी मंजिल वही है। तो कहने का मतलब है अगर आपके घर पे किसी की डेथ हुई है जो आपके बहुत क्लोज थे, आप नहीं चाहते कि उनके साथ में कभी भी ऐसा हो, सोच नहीं सकते, और आप समहाउ ना बोल के भी ना, लेकिन अपने मन में एक चीज़ बैठा चुके हो कि नहीं ये मेरा है, तो जब चीज़ों को आपने सोचा कि ये मेरा है तो दुख वहाँ से स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, अटैचमेंट का बोध कर लिया, यानी कि उसका ज्ञान कर लिया या उसको अपने अंदर समा लिया। अब वो अटैचमेंट आपसे बदला लेगा कि आपने मुझे जगह क्यों दी, अगर जगह दी है तो अब मेरे शिकार आप बन गए। अब मैं जो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आपको कि देखिए एक पेड़ से पत्ती गिरती है और पत्ती खाद बनती है, प्रोसेस होता है, और उसी पत्ती में से एक और पेड़ निकलता है या प्लांट्स निकलता है, वही प्लांट्स फिर दूसरी चीज़ों को करता है, इसी तरह एक दूसरी पत्ती गिराएगा और प्लांट्स निकलेंगे, इसी तरह से पूरी श्रृंखला ये चलती रहती है, जैसा हम इंसान भी करते हैं। अपने आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा किया, आप अपने बच्चों को पैदा करने वाले हो, या जिसने कर लिए नहीं तो करोगे फ्यूचर में, तो चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। इस चीज़ से समझ में आता है, आप जाओगे दूसरे आएंगे, दूसरे जाएंगे आप आओगे ये आओगे, इस तरह से पूरा चलता रहेगा कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सारी चीजें टेम्परेरी हैं। अगर हम इस चीज को नहीं समझे तो प्रॉब्लम, दुख, सारी चीजें जिसमें आज आप सफर कर रहे हो, हर दिन गुना भाई गुना बढ़ती रहेगी। आप उसमें मल्टीप्लाई जैसा ऑप्शन है उसको लगा कर रखो, बढ़ती जाएगी। चीजों को एक्सेप्ट करो, नेचर की प्रक्रिया को देखो कि ये नेचर क्या चाहता है हमसे, ये कैसे वर्कआउट कर रहा है, तो चीजें आसान हो जाएंगी, दुख ही खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूं कि एक माँ के लिए उसके बेटे का, एक वाइफ के लिए उसके हस्बैंड का, और एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ का, या दूसरे इसी तरह के जो रिलेशन रहते हैं उनकी सबको अपने अपने फैमिली मेम्बर का बहुत ज़्यादा है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, और जब ये व्याकुलता हमारे सामने आती है, ऐसा कुछ फेस होता है तो बहुत दिक्कत होती है और उससे निकल पाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हम स्टिल आप लोगों की हेल्प में लगे हुए हैं, आप सब जानते हैं जो भी मुझसे कनेक्ट हैं। आज एक कोई व्यक्ति थे, उनका मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो उन्होंने तमाम तरह की गालियाँ दे रखी हैं, कमीना गोल्ड, ये हरामी है, इसने इस तरह से मेरे, शायद वो मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी लैंग्वेज इतनी रबिश थी तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि हाउ पीपल कैन थिंक लाइक दैट, कि
उस व्यक्ति को आप ब्लेम कर रहे हो जिसने इस सृष्टि का सिस्टम बना दिया, और आज उसके हाथ में भी चाबी नहीं है कि उसको चेंज कर दे, क्योंकि हर जगह, हर डिपार्टमेंट में या जैसे भी मोड़ है, उसने एक पर्सन को रखा हुआ है। वही पर्सन आपको सारे ट्रीटमेंट करके देगा, आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या होगा, वैसे होगा। मतलब कर्म का सिद्धांत जहाँ से फॉलो होता है वहाँ पे भी एक पर्सन लगा के रखे हुए। और हम इन चीज़ों को इतना लाइट लेते हैं कि नहीं 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 ऐसे हो जाएगा, नहीं 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 वैसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी चीज़ दोगे तो आपको मिलेगी, आपको मिल जाएगी तो आपको देना पड़ेगा। जैसे एनर्जी का पहले स्टार्टिंग में मैंने बीटॉक बनाया, ये सिर्फ यही प्रोसेस है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।